अगर आप SBI कस्टमर केयर नंबर को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक नंबर बता दूंगा और आपका काम हो जाएगा, बल्कि इससे जुड़ी छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि SBI कस्टमर केयर नंबर एक से ज़्यादा नंबर हैं। SBI का जो कस्टमर केयर नंबर है वो एक नंबर नहीं है बल्कि बहुत सारे नंबर्स हैं, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो आसान वाला नंबर है, सबसे सिंपल इजी टू रिमेंबर नंबर जो है वो है 1800-1234। तो ये जो नंबर है इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ये नंबर आपको सेव भी करना नहीं पड़ेगा। और चलिए इस नंबर को एक बार डायल करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। अब इस नंबर को थोड़ा डायल करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएँ हमारे लिए हैं। 1800-1234, ये जो मेरा अभी देखिए यहाँ पर दो सिम दिखा रहे हैं, तो BSNL वाला मेरा जो नंबर है ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है SBI अकाउंट के साथ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं स्पीकर पर डाल देता हूँ। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और आपके खाते का बैलेंस है 2515 रुपए और 13 पैसे। पिछले 5 लेनदेन सुनने और SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो ठीक है, इस तरह से आप जो SBI का कस्टमर केयर नंबर है इस पर कॉल करके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से भी बात कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी जैसा कि आपने देखा कि वहां पर दिया हुआ है, और अपना बैलेंस भी आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कार्ड ब्लॉक करना है या फिर और कुछ करना है तो इस तरह के ऑप्शन भी इसमें दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि SBI के एक से ज़्यादा कस्टमर केयर नंबर हैं, तो अगर आप सारे नंबर्स को जानना चाहते हैं तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ पर आपको कस्टमर केयर का सेक्शन मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। कस्टमर केयर का जो एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वो डिटेल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको जब भी आपको ज़रूरत हो तो वहाँ पर विजिट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि सारे जो नंबर्स हैं SBI कस्टमर केयर का वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक बात है कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये तो SBI के कस्टमर केयर नंबर्स हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांच का नंबर चाहिए, SBI के किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ब्रांच में आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसका भी एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से SBI क्विक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं ये SBI क्विक ऐप का होम स्क्रीन है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऐप में कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, केवल आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद देखिए हेल्प डेस्क एंड फीडबैक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हेल्पलाइन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए दिया हुआ है ब्रांच हेल्पलाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि ब्रांच कोड या ब्रांच नेम, तो ब्रांच कोड तो मुझे पता नहीं है, तो ब्रांच नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे जो है ब्रांच नेम हम एंटर कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रायपुर एंटर कर दिया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो देखिए रायपुर में जो भी ब्रांचेस हैं SBI के वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। तो मुझे जो है रायपुर बाजार ब्रांच जो दिखा रहा है इसका कॉन्टैक्ट नंबर जानना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दिस सर्विस इज ओनली अवेलेबल इन द बिजनेस आवर्स, तो बैंक जब खुला रहेगा उस टाइम में ही आप इस सर्विस को ले सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो मैनेजर रहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा आपको मैं आगे उसको स्क्रीनशॉट करके एडिटिंग में लगा कर दिखा दूंगा आपको, उसको आप देख लेंगे। इस तरह से आप जो SBI के ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं,
और ये ऐप जो है SBI क्विक ऐप, ये SBI का ऑफिशियल ऐप है, इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।